सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बेहद ही तत्पर दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार विकास कार्यों को बुलेट की रफ्तार से गति दे रहे हैं। इसी क्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम जुलंधर से चौकी मार्ग का शिलान्यास किया और जनता से आने वाले वक्त में विकास की राह बनाने का वादा किया। देखिए खास रिपोर्ट। विकास की इबारत लिख रहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ग्राम जालंधर से चौकी मार्ग का किया शिलान्यास, जनता से किया विकास कार्यों को बढ़ाने का वादा। ग्रामीणों ने दिया गोविंद सिंह राजपूत को धन्यवाद। दरअसल राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम जालंधर से चौकी मार्ग के भूमि पूजन का शिलान्यास किया। जालंधर चौकी मार्ग बनने से जालंधर लक्षणपुरा पीपलखेड़ी सोठिया काठीघाटी जमुंडाना सेमरामेड़ा मसानिया शिकारपुर तथा चौकी ग्राम के लोग अब बिना किसी परेशानी से राहतगढ़ पहुंच सकेंगे। अब तक यह लोग लगभग 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर राहतगढ़ पहुंच पाते थे, जिसके चलते जनता को अतिरिक्त मार्ग मिलने से समय और धन का लाभ मिलेगा। मौके पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जनता के सामने अपनी विधानसभा को आदर्श बनाने का वादा किया और जनता के सामने अपना विजन प्रस्तुत किया। मना रहे हैं ऐसे अवसर पर हमारे जालंधर जालंधर के आसपास के सभी गांव और नरियापी क्षेत्र के हो चाहे सुरखी क्षेत्र के हो, सभी को हम यहां से देख रहे हैं। सभी हमारे गणमान नागरिकगण, सभी हमारे बुजुर्गगण, सभी हमारे नौजवान साथियों, सभी माता बहनों, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, जो कि मंच बहुत बड़ा है, सभी के लिए हमारी तरफ से दोनों हाथ जोड़ने पड़ा। साथियों, आज अभी सबने बोला, हीरा भैया बोल रहे थे, और रास्ता रास्ता हम चौकी से जब चले तो चौकी फिर शिकारपुर फिर मसानिया के बाद जामुंडाना के बाद सोटिया और सोटिया के बाद लक्षणपुर और लक्षणपुर के बाद जालंधर। हर गांव में हमें लोग मिले, हर गांव के रोडों गांव के लोगों को जो ये रोड बना है, इस रोड को लेकर बहुत ही उत्साह है और लोग बहुत प्रसन्न हैं। उस रोड में लचा चिंता नहीं करो, दिखा जाएगा उसमें कैसे लिखना भूल गए हूं। तो ये मांग आज से नहीं थी, सारे लोग जो पुराने बैठे हैं, नए बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, सबको मालूम है कि 30-40 साल पहले से ये कल्पना आप कर रहे थे कामों के लिए। आप यहां से निकलते हो जालंधर से लोहर्रा और लोहर्रा से चांदामऊ से पहुंचते हो जरुआखेड़ा और जरुआखेड़ा से नरियावली से जेरई में होते हुए सागर और सागर से फिर 45 किलोमीटर जाते हो आप कहां राहत में, माने सब मिला के 100 किलोमीटर चलकर आप लोग राहतगढ़ पहुंचते हो। अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है
कि आपको यहाँ से राहत। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व राहतगढ़ जनपद अध्यक्ष गुलाब सिंह राजपूत, भाजपा नेता राम कुमार यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल पटेल, निरंजन सिंह, राम बाबू कुर्मी, राजू पटेल, देशराज यादव जग्गू सहित सरपंच जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सहित सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।